खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। जहां एक ओर प्रधानमंत्री हर घर नल योजना के तहत पूरे देश में गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जल संस्थान की घोर लापरवाही देखने को मिली। जहां बीच सड़क पर पानी के टैंकर के नल खोलकर भागा ट्रैक्टर चालक गायब दिखा और पानी की बर्बादी देखने को मिली। जहां एक और पानी के एक एक बूंद को नगरवासी तरस रहे, तो वहीं जल संस्थान की उदासीनता की जीती जाती तस्वीर ललितपुर लाइव टीवी के कैमरे में कैद हो गई। जब इस टैंकर के बारे में वहां से निकल रहे एक ठेले वाले राहगीर से इस टैंकर के बारे में पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, बुंदेलखंड के पानी की बूंद के लिए तरस रहा है और यहाँ पर जल बरस रहा है, क्या है आपका कहना? एक पानी नहीं गिर रहा है ललितपुर में, इधर पानी बगरा रहे हैं, आदमी के लिए जल पीने को नहीं मिल रहा है सही तरीके से। क्या मानते हैं, लापरवाही है जल निगम की? जल निगम की लापरवाही है, बगर रहा है तो।